नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर, जहां पे 10% से ज़्यादा की गिरावट है और 2.60 का दोस्तों जो लेवल है वहां पे क्लोज हुआ है और -0.30 के ऊपर दोस्तों डाउन हुआ है। दोस्तों ओपन हुआ था 2.95 के ऊपर, प्रीवियस क्लोज था 2.90, हाई बनाया 3 का और लो बनाया 2.55, क्लोज दिया 260 का, यानी कि दोस्तों डे लो के आसपास क्लोज किया है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोस्तों दो और मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे आज के ही दिन में चला गया है। क्या ये लेवल दोस्तों, ये गिरावट कंटिन्यूस रहेगी और कौन से ऐसे लेवल है जहां से गिरावट से रिकवरी आ सकती है, दोस्तों सारा दोस्तों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों क्वांटिटी ट्रेडर की बात की जाए तो 1,27,98,849 क्वांटिटी ट्रेड हुए। डिलीवरी क्वांटिटी की बात की जाए तो 64,51,000, तकरीबन 50% से ज़्यादा डिलीवरी हुई है। क्या ये आज गिरावट के साथ डिलीवरी बेस बाइंग हुई है या नहीं, उसके ऊपर डिलीवरी का भी डेटा चेक करेंगे। दोस्तों इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी जो है दोस्तों मेंबरशिप ऑफ वेरियस एक्सचेंजेस एंड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। दोस्तों जिसका BSE का कोड है 533506, NSE का कोड है INVENTURE। दोस्तों फंडामेंटल के ऊपर एनालिसिस करें उससे पहले हम टेक्निकल पहले चलते हैं, बाद में फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग सी लाइनें दिख रही है। दोस्तों ये जो आपको लाइन दिख रही है जहाँ पे दोस्तों जो लेवल है वो 50 डे की मूविंग एवरेज का है और ये जो है दोस्तों 200 डे की मूविंग एवरेज का है। अगर इस चार्ट को हम जूम कर लेते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर दोनों लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज आ गया है। ऐसा पहले भी हुआ था दोस्तों, जब पहले ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था दोस्तों कि स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। दोस्तों तो यहाँ पे बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पे दोस्तों गिरावट बनी रहेगी और जो हमारा 61.88% का जो लेवल है वो 229 आ रहा है, जहाँ पे प्रीवियसली दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 235 के आसपास ही उसने लो बनाया था और फिर ऊपर अपवर्ड गति बनाई थी। तो हमें 230 का लेवल बिल्कुल सटीक लेवल है, जहाँ पे हम पिछली बार जब एनालाइज किया था तब ये लेवल निकला था, तो उसके ऊपर से ही दोस्तों स्टॉक ने अपना जो लेवल ऊपर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको तोड़ दिया है 2.75 का, बट यहाँ पे दोस्तों हमें 230 के लेवल के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। अब ये रिट्रेसमेंट लेवल कैसे आया, तो दोस्तों स्विंग लो को हमने कनेक्ट किया है स्विंग हाईज पे और हमें ये जो लेवल मिला है वो लेवल है 61.8% का 2.30, और लास्ट टाइम हमें वहाँ से ही सपोर्ट मिला था दोस्तों। और अभी 50 डे और 200 डे का DMA को तोड़ दिया है आज स्टॉक ने, तो दोस्तों 2.30 तक के आसपास स्टॉक आने के चांसेस है। अब हम चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों मार्केट कैप बहुत छोटा है दोस्तों, 218 करोड़ का है। करंट प्राइस बहुत ही छोटी है 2.60 का। स्टॉक का P 12.7 है और बुक वैल्यू है जो दोस्तों 2.2, यानी कि बुक वैल्यू से बिल्कुल आसपास ही चल रहा है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। ROC कोई उत्साहजनक नहीं है 9.48 है। ROE भी उत्साहजनक नहीं है 7.74 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 22.4 है, वो अच्छा है। PEG रेशियो 0.32 ओके है, बट दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51.9% बहुत ज़्यादा है दोस्तों। प्रॉफिट वेराइज अगर बोले तो दोस्तों 39.6 जबरदस्त है। सेल्स ग्रोथ 20.2% बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.5 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 ईयर 13.3 है। कैश इक्विवेलेंट 11 CR है दोस्तों। एक मजे की बात है, मार्केट कैप 218 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट 111 CR है। ऑलमोस्ट दोस्तों आधे से ज़्यादा कैश है उनके पास इक्विटी के। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है हमारा 12.7 है। अब पीयर कंपैरिजन दोस्तों, बड़े बड़े नाम है उसके सामने हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनके सामने वैल्यूएशन कम ही होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कोई करना नहीं है क्योंकि दोस्तों इन लोगों के मार्केट कैप देखिए बहुत बड़े है और ये छोटा है, तो इसका और हम बजाज फाइनेंस है, HDFC, AMC या छोला मंडल या SBI कार्ड, किसी के साथ इन वेंचर का हम कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो दोस्तों पीयर कंपैरिजन को हमें छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर दोस्तों थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो पिछला जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था सितंबर 2021 का, तो वो बहुत ही बड़ा दोस्तों 10.36 का सेल्स था और एक्सपेंस देखिए दोस्तों 6.42। जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो दोस्तों
सेल्स कम हुआ है, इसी वजह से ही गिरावट की रीजन है दोस्तों, सेल्स कम हुआ है। और ये एक टाइम नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले मार्च में भी जो 2021 था उससे भी कम हुआ और उससे भी कम हो चुका है। और दोस्तों एक्सपेंस तो देखिए 3.48 इस बार तो स्काई हाई हो चुका है। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर की जगह ईयर टू ईयर देखे तो दोस्तों ईयर टू ईयर में हमें ग्रोथ दिख रहा है, बट एक्सपेंस देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.54 था वो 3.94 हो गया, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों में, दोनों पैमाने के ऊपर रिजल्ट खराब आया है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 3.70 है, ईपीएस जो आया है वो 0.04 है, जो हमारा सितंबर 2020 यानी कि ईयर टू ईयर में 0.05 था और लास्ट क्वार्टर में भी 0.05 था। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल आया है कंपनी की एंड से दोस्तों। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो दोस्तों सेल्स पहले बहुत बढ़िया था दोस्तों, 2010 11 से 14 15 तक अच्छा था, फिर उसके बाद कम आया, 18 में तो बहुत ज़्यादा सेल्स हो गया, 19 में आया, बट फिर दोस्तों ये कंसोलिडेट कर रहा है 31 से 40 के आसपास की रेंज पे। और एक्सपेंस भी दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक बढ़ा के रखे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इस साल अच्छा दिख रहा है, 23 का दिख रहा है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 18 का दिख रहा है। तो ओवरऑल ईयर टू ईयर पे कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है दोस्तों, कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है पिछले कुछ सालों से। अगर वो बना के रखती है तो अच्छा ग्रोथ दिखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 27.959%, एफआईआई का 0.03 है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग में बड़े नाम हरिलाल रीता जो जिनका है 5.95, शांतिलाल जी का है 2.38%, या यहाँ पे दीपक बाबूलाल शाह जिनका दोस्तों 1.91% का है, और के कालिदास फैशन प्राइवेट लिमिटेड उनका भी 3.01% है, रमेश उत्तम चंदानी उन्होंने निकाल दिया अपना होल्डिंग, शांतिबेन कांजीबाई रीटा उनका 1.19 है दोस्तों, और बाकी दोस्तों उनके फैमिली मेंबर्स ही है, कोई बड़े नहीं है नाम जहाँ पे हमें सुकून सा मिले। अब चलते दोस्तों डिलीवरी के ऊपर, हमें 50% के आसपास का डिलीवरी मिला था, बट दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कि 15 नवंबर का 49.8 है, 12 नवंबर का 55.8 है, 11 नवंबर का 64.8 है, यानी कि दोस्तों डिलीवरी बेस्ड बाइंग और सेलिंग होती रहती है, उसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब दोबारा हम चार्ट के ऊपर चलते हैं तो दोस्तों हमारा सीधा क्लियर कट व्यू है 2.30 का दोस्तों स्टॉप लॉस, यानी कि हमें वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, जो हमारा रिट्रेसमेंट है 61.8% का। अगर हमें वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों, ये स्टॉक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में ज़्यादा डील करता है दोस्तों, तो इसमें से आपको निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट दोस्तों स्टॉक रहेगा, यानी कि अगर आप 230 के आसपास बाई कर ले और फिर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए तो वाह क्या बात है, अगर नेगेटिव सर्किट लगेगी तो दोस्तों 61.8% का रिट्रेसमेंट इतना बड़ा जाल है कि दोस्तों उसके बाद उसको रिकवर होने में मुझे नहीं लगता कि 1.75 से पहले रुकना चाहिए। तो उससे बेटर है कि ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपको आपकी प्रोफाइल अगर हाई रिस्क है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह देते हैं तो दोस्तों बेस्ट लेवल है 230 का, 235 का पकड़ लो, लपक लो, अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। पिछले 2 साल में क्वार्टरली रिजल्ट और जो ये ईयरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, इम्प्रूविंग हो रहे हैं। और दोस्तों मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट स्टॉक ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन हो ही रहे हैं, और आप भी दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो वीडियो है इसकी लिंक जो जो मैंने अकाउंट ओपनिंग की विधि और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट 5 से 10 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं, और बहुत सारे ढेरों डीमैट अकाउंट लोग ओपन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आई एन वेंचर उसी से सेगमेंट से जुड़ी हुई है, एंजल वन बड़ी कंपनी है बट आई एन वेंचर भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, तो उसमें एक रिस्क रहता है जो ब्रोकिंग सेगमेंट का, वो रिस्क वहीं के रहेगा, इसीलिए दोस्तों अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ उसके बाद पैनी में ही है, बट अच्छा दोस्तों डिलीवर कर सकता है आने वाले टाइम में रिटर्न, अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर टू ईयर रिजल्ट में बढ़ोतरी होती रहेगी ऐसी, तो अच्छे लेवल आपको देखते मिलेंगे, बट 230 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इसमें आप ट्रेड या निवेश कीजिए, धन्यवाद।